गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि फोर्स की डायरेक्शन हमें कैसे फाइंड आउट करनी है। इस लेक्चर में उसी लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल्स के प्रैक्टिकली एप्लीकेशन को हमें समझना है और हमें प्रिंसिपल को देखना है कि कौन से कॉन्सेप्ट पर आपका इलेक्ट्रिक मोटर एक्चुअल में वर्क करता है। सो दिस इज द बेसिकली एलिमेंट आर पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में अगर अपन ध्यान से देखें तो होता क्या है। एक तो हमारे पास मैग्नेट होगा जिसके दोनों पोल्स को यहाँ पर दिखाया गया, एक नॉर्थ पोल और दूसरा है आपके पास साउथ पोल, करेक्ट। फ्रेम होगा, फ्रेम किससे मिलके बना होगा, वायर से या कंडक्टर से, और कंडक्टर में फोर्स एग्जर्ट होगा, फील्ड होगी, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये आपके पास एक फ्रेम दिख रहा है, ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी, ये अलाइंड है, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। उसके बाद आपके पास एक सी टाइप की यहाँ पर स्प्लिट रिंग दिख रही है, पी एंड क्यू, ठीक है, जो आपके पास यहाँ पर एक्स और वाई है, जो आउटसाइड जो आपके रिंग्स पर ये एक्स और वाई दिख रहे हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रशेस बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, ब्रशेस, करेक्ट। ये जो आपका एक्सेल है, दिस इज बेसिकली द रोटेटरी एलिमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी। दिस इज द सिंपल एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, जहां पर हम किसको कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा कि इसके एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। ये जो आपकी ब्रशेस हैं, एक्स और वाई टर्मिनल है, इसको अपन क्या करेंगे, बैटरी से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो एक्स पॉइंट है इसको अपन ने पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये जो वाई पॉइंट है इसको अपन नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पर की अपन यूज करते हैं। की जब क्लोज होगी तो उस कंडीशन में करंट का फ्लो होगा, क्योंकि करंट हमेशा क्लोज लूप को फॉलो करता है, और की जब ओपन होगी तो उस केस में यहाँ पर करंट में कोई सर्किट में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, करेक्ट। एक बार देख लेते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर, ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ वायर एबीसीडी, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रेम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फ्रेम। मैग्नेट पोल्स, यहां पर ध्यान से देखें तो हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, जिसके दोनों पोल्स नॉर्थ एंड साउथ पोल आपको नजर आ रहे हैं। स्प्लिट रिंग, टू एडजेसेंट सी टाइप पी एंड क्यू रिंग्स, इट एक्ट एज ए कम्यूटेटर। इसका मतलब क्या होता है, कम्यूटेटर ये प्रैक्टिकली पूछा जाता है, इसका मतलब है टू चेंज और रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। एक्सल एंड स्प्लिट रिंग्स आर प्लेस्ड ऑन द एक्सल विच कैन रोटेट फ्रीली, ये रोटेटिंग एलिमेंट है, ठीक है, इसी के ऊपर क्या यूज होती है, स्प्लिट रिंग्स यूज होती है। ब्रशेस की अगर बात करें तो ये जो ब्रशेस हैं, द आउटसाइड ऑफ द स्प्लिट रिंग्स आर कनेक्टेड टू द कंडक्टिंग ब्रशेस एक्स एंड वाई, जिसको अपन क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये एक बेसिक और ये एक आपका डायग्राम हो गया, लेआउट हो गया किसका, इलेक्ट्रिक मोटर का। आप कहानी को आप समझिए, यहां पर अगर अपन ध्यान से देखें तो जब अपन ने यहाँ पर पावर सोर्स या बैटरी को कनेक्ट किया होगा तो यहाँ पर करंट आ रही होगी। ये जो करंट है बेटा, अगर अपन ध्यान से देखें तो ये करंट एबी में इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी अलोंग द एबी। सेम करंट कहां पर फ्लो हो रही होगी, सीडी में, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ये जो आपके पास यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल दिख रहे हैं, तो अगर अपन इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर पाए तो हमें क्लियर कट समझ आ रहा है कि सर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ यू होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ यू होंगी, कहां से जनरेट होंगी, नॉर्थ से, और कहां पर जाऊंगी, साउथ पोल पर। ये आपको क्लियर कट समझ आ रहा है। फिर से ये जो करंट है ये वाई पॉइंट से कहां पर आ जाएगा, फिर से बैटरी के अंदर, और ये कंटिन्यूएशन चलता रहेगा। ये एक रफ स्केच है, अब इसकी एक्चुअल प्रिंसिपल को अपन समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखेंगे, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये हमारा वो पार्ट है, कौन सा, ए टू बी वाला सेक्शन ये था, ठीक है। और यहां पर फिर से लास्ट वाली स्लाइड को आप देखो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये आपके पास ए बी है और ये आपके पास सी डी है, करेक्ट। तो ये वाला जो सेक्शन है, दिस इज कॉल्ड अवर सी टू डी एलिमेंट, और ये आपका पता है कि ये एक्स पॉइंट था और ये वाई पॉइंट था, इसको अपन ने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ध्यान से देखिए, अगर अपन जो लॉज हमने पढ़ा है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल जो हमने पढ़ा है, अगर उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें इन ए टू बी एलिमेंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर अपन प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर पाए तो हमें यहां पर नजर आ रहा है कि ये सर क्या है, दिस इज द एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन में आपको किसको रखना है, यू हैव टू पुट योर मिडिल फिंगर, क्लियर। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आपसे पूछी जाए तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ टू साउथ है, आपको नजर ही आ रहा है, तो
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल यहाँ पर यूज कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप इंडेक्स फिंगर को रख रहे हो, करंट की डायरेक्शन में अगर आपने किसको रखा हुआ है, अगर करंट की डायरेक्शन में आपने मिडिल फिंगर को रखा है, तो जो थंब है वो किधर हो रहा है आपका, थंब की डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड। तो ये आपका ए बी वाले एलिमेंट में क्या हो रहा है, ए बी वाले एलिमेंट में आपका जो फोर्स है वो किधर लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इज दैट क्लियर और नॉट, यहां तक सबको समझ आ गया। इसी तरीके से अगर सी टू डी को मैं ऑब्जर्व करूं तो सी टू डी में करंट की डायरेक्शन आपको नजर आ रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता ही है कि मैग्नेटिक फील्ड, मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट कहां से, नॉर्थ से साउथ। तो अगर अपन फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो यूं ही होगी, दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल अगर आप यूज कर रहे हो, मिडिल जो आपके फिंगर है उसको करंट की डायरेक्शन में रखना है, अगर आपने आपकी इंडेक्स फिंगर को इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आपने रखा है, फील्ड की डायरेक्शन में आपने इंडेक्स फिंगर को रखा है, तो आपका जो थंब है वो किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गया होगा। अब बेटा हो क्या रहा है, अगर आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए, अगर आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए, तो यहां पर कहानी कुछ यूं हो रही है कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जनरेट हो रहे हैं, एक तो ए बी एलिमेंट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में और सी डी एलिमेंट पर अपवर्ड डायरेक्शन में। दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर सर्टेन डिस्टेंस पर लग रहे हैं तो ये क्या जनरेट करेंगे, टॉर्क। और इस टॉर्क के जनरेट होने की वजह से क्या होगा, ये जो आपका रिंग है यहाँ पर ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसपे फोर्स किधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ। इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा, ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में, और इस पे फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये आपके पास जो पूरा का पूरा फ्रेम है वो एक्सल के अबाउट क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा, बिकॉज यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और यहाँ पर सेम फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या करेंगे, टॉर्क जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा फ्रेम क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, जब ये हाफ रोटेशन हो जाएगा, कंप्लीट नहीं, हाफ रोटेशन हो जाएगा, ये जो सी डी एलिमेंट है वो कहां पर आ जाएगा, सी डी एलिमेंट सर ए बी के पास आ जाएगा, और जो ए बी एलिमेंट है वो कहां पर चला जाएगा, सी डी एलिमेंट में। ध्यान से देखेंगे आगे वाली स्लाइड में, अच्छे से अपन ने यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ये इस कंडीशन को अगर अपन प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो हो क्या रहा है, व्हेन करंट इज बीइंग फ्लोइंग थ्रू द ब्रशेस एक्स ए टू बी, करेक्ट है, बी टू सी, सी टू डी, करेक्ट, देन ब्रश वाई एंड इनटू द बैटरी। ये कहानी वही है कि हमने कनेक्ट किया ए बी बी सी और सी डी से, फिर से करंट कहां पर चली गई आपका, नेगेटिव टर्मिनल में। नाउ अप्लाइंग द लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल टू वायर ए बी, करंट इज अलोंग द ए बी, अभी आपने देखा था, मैग्नेटिक फील्ड इज शोन इन नॉर्थ इज ग्रेटर देन साउथ, देन मोशन ऑफ द वायर इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अपन ने ऑब्जर्व भी किया था कि सर वहां पर क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन ये थी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की क्यों था और फोर्स आपका इधर लग रहा था, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था। ठीक है, इसी तरीके से ये जो रेक्टेंगुलर क्वायल है, अगर जो सीडी वाला पोर्शन है वहां पर अगर मैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल यूज करूंगा तो वहां पर हमें दिख रहा था कि फोर्स किधर लग रहा था बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टॉर्क जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो रेक्टेंगुलर क्वाइल है दैट इज स्टार्टेड रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ड्यूरिंग एंटी क्लॉकवाइज मोशन द स्प्लिट रिंग्स एंड एक्सल ऑल्सो मूव वेयर एज द ब्रशेस डू नॉट मूव, क्योंकि ब्रश क्या है, कनेक्शन के लिए है, तो ब्रश का मूवमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, आफ्टर हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो जो आपका लोकेशन किसका था, जो आपके पास ये ए बी था, ये जो ए बी था, अब यहां पर कौन आ गया होगा, ये हमारा ए टू बी था और ये हमारा क्या था, सी टू डी था, करेक्ट है, ये हमारा क्या था, सी टू डी था, करेक्ट। अब रोटेशन के बाद चीजें क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी, वायर सी डी एंड स्प्लिट रिंग क्यू मूव्स टू द लेफ्ट एंड वायर ए बी एंड स्प्लिट रिंग पी मूव्स टू द राइट। ठीक है, और एक्स और वाई जो ब्रशेस है वो मूव नहीं करती है। अब मैं अगर लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल यूज करूं तो जो सी डी वायर है, जो आपके पास कौन सा वायर है, सी डी, ध्यान से देखेंगे, ये सी डी पहले यहां पे था, मूवमेंट के बाद ये डी यहां पर होगा और सी यहां पर होगा, करेक्ट। तो पहले करंट की डायरेक्शन कैसी थी, पहले करंट की डायरेक्शन थी सी टू डी, अब करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, डी टू सी, नाउ करंट इज अलोंग द डी टू सी। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपन ए बी की बात करें तो पहले ए बी में
करंट का फ्लो ए टू बी था, लेकिन हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट होने के बाद ये बी तो यहां पर आ गया होगा और ए यहां पर होगा, तो अब करंट कैसे हो जाएगा, बी टू ए हो जाएगा। नाउ अप्लाइंग द लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल टू द वायर ए बी, द करंट इज अलोंग द बी टू ए हो जाएगा, करेक्ट। अब अगर अपन प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करें तो पहले जो सी टू डी था एलिमेंट, उस पर जो फोर्स लग रहा था दैट वॉज इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये जो एलिमेंट है, क्योंकि हाफ रोटेशन के बाद डी टू सी हो गया होगा, तो अब इस पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसी तरीके से जो बी टू ए था, पहले उस पर फोर्स लग रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अब क्या होगा, ये जो बी टू ए है इसमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, इस वजह से फोर्स लगने लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन। फिर से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहां पर लगेंगे, जो क्या बनाएंगे, जो एक टॉर्क जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से फिर से क्वाइल क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन करेगा, किसका, रोटेशन। ठीक है, द रिवर्सल ऑफ करंट इन द क्वाइल रिजल्ट इन द कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ द क्वाइल एंड द रिवर्सल ऑफ करंट इज अचीव बाई द कम्यूटेटर रिंग। ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर रिंग, तो कम्यूटेटर रिंग सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, करंट की डायरेक्शन को क्या करेगा, रिवर्स करेगा। दिस इज द एक्चुअल प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। आप इसका प्रैक्टिकल यूज कहां पर करते हो, इलेक्ट्रिक फैंस में, रेफ्रिजरेटर में, मिक्सर में, वॉशिंग मशीन में, और ये बेस्ड किस पर है, लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल्स पर हम इसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं, जिसकी वजह से ये वर्क करता है। होपफुली यहां तक सबको समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन ये जो डायग्राम है, ये आपका पिक्चर बहुत क्लियर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसी डायग्राम के बेसिस पर आप इजिली इसकी वर्किंग को आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम।